नहीं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे अपने डार्क सर्कल छुपाने थे, क्योंकि हमारे लैपटॉप पे जुगाड़ लगाई है ना, वो जुगाड़ में एडिटिंग कर करके हमारे हो गए हैं डार्क सर्कल्स। तो ये इस वीडियो में छुपाने का तरीका है, और कुछ नहीं। जिनको नहीं पता है हमने क्या जुगाड़ लगाई, मतलब इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं करते तो बहाना मिल गया मुझे प्रमोशन का अपने पेज का। सो गो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, पूरे अपडेट्स होंगे उसमें। जितना भी मैं यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ या फिर डिश डालता हूँ, सब कुछ वहाँ है, रेसिपी, फूड। वैसे छोटा सा मजाक था, मैं अपने सही चश्मे में आ गया एकदम। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क राज ढींगरा। सो आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, पूरी नाइफ्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, जितनी भी नाइफ्स हैं मेरे किचन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स। सो प्लीज़ आखिरी तक देखना, अगर आप कुछ नॉलेज गेन करना है तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, देखना पूरा वीडियो आखिरी तक, बीच में स्किप मत कर देना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एक घंटी भी दबा दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कि है मेरा फेवरेट नाइफ, मेरी जान, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ मैं। सो दिस इज़ माई बेस्ट नाइफ इन माई कलेक्शन, और मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये मेरे लिए बेस्ट है बहुत। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे नाइफ अभी शार्प नहीं किए हैं बिकॉज वीडियो शूट करना था, पता चला यहाँ पर रूह अफजा बह गया हाथों से बहुत लेम जोक था, बहुत लेम पता है मुझे। तो ये नाइफ है मर्कर कलिनरी का, सो इट्स अ नाइस नाइफ विद अ हैवी हैंडल। पता है जितना हैवी हैंडल होता है ना उतना नाइफ आपके कंट्रोल में रहता है, सो इसको हैंडल बोलते हैं, और ये जो होता है दोनों को कनेक्ट करता है इसको बोल्स्टर बोलते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पर हील, और ये है एज, ठीक है, और ये हो गई नाइफ की स्पाइन, ये हो गई टिप। काफ़ी अच्छा ब्लेड है इसका, ये एक्चुअली मैंने शार्प कराया थोड़ा बाहर से, बाकी बहुत अच्छा ब्लेड है, क्वालिटी बड़ी मस्त है, स्टेनलेस स्टील है, प्योर लाइक कार्बन स्टील होता है ना उस टाइप का है। और बाकी इसका ना ये 8 inches लॉन्ग है, और इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पर हील दे रखा है ताकि जब भी आप कटिंग करो ना दिक्कत ना जाए। ये नाइफ़ को NSF सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन से, सो इट्स अ नाइस थिंग एंड अ गुड नाइफ टू बाय इन मिड रेंज। ये एकदम पेटी पैक नाइफ है ना, मैंने अभी अभी निकाला है वीडियो के लिए, मतलब मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया हुआ, तो मान लो यार नया है, अपन अच्छे से यूज़ करते हैं। और ये है इसका पेटी जिसमें आया था ये, सो ये पीछे हमारे संजीव शेफ संजीव कपूर जी की ब्रांडिंग, और ये है भैया इसकी पेटी, इसके अंदर आता है ये। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये नाइफ आपको दिख ही रहा होगा बड़ा सॉलिड सा है, सो इसका हैंडल एक्चुअली काफ़ी भारी है, तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। वैसे तो अच्छा नाइफ है, कार्बन स्टील है इसमें भी, स्टेन का कोई दिक्कत नहीं, वंडर शेफ का नाइफ है, सो एज अ किचन डे टू डे यूज़ यू कैन यूज़ दिस नाइफ ऑल्सो। और इसका ब्लेड है एक्चुअली 6 inches लॉन्ग, सो उस वाले से थोड़ा छोटा है। यार ये नाइफ भी मुझे बड़ा पसंद है, इसको बोलते हैं सैंटोक्यू नाइफ, एक मिनट देख लेते हैं, सैंटोक्यू नाइफ बोलते हैं इसको, सैंटोक्यू, सो ये सैंटोक्यू नाइफ है। सो ये बड़ा गजब का नाइफ है, जैपनीज क्विजीन में इसको यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर सो फाइन, सो दे नीड अ फाइन नाइफ, सो ये बहुत अच्छा स्लाइस करता है बिल्कुल बाकायदा, ठीक है। तो ये नाइफ भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में, आपको शौक है नाइफ का तो आप ये लीजिए, आई प्रीफर यू दिस वन, बहुत अच्छा नाइफ है ये, ग्रूव्स भी है ना, तो कभी भी आप कुछ भी वेजिटेबल्स काटते हैं ना तो ये स्टिक नहीं होता, लाइक कभी बार नाइफ है ना ऐसे फंस जाता है, तो ये इसमें नहीं होगा, ये बहुत अच्छा नाइफ है। ऐसी हाइडेंसी खेल रहा था मैं। सो ये है क्लीवर, ये हमारे जो है ना बुचर लोग खट 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 मीट काटने में यूज़ करते हैं, बहुत शार्प होता है ये, उसको बड़ा प्यार से रख देता हूँ मैं, पता चला जो जोश में हमने काम लगा दिया, सो ये बहुत अच्छा है क्लीवर। ये इसलिए इतना चमक रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी पहली बार निकाला है वीडियो के लिए, मैं इसको यूज़ ही नहीं करता ज़्यादा क्योंकि घर में मीट्स वगैरह मैं इतना कट नहीं करता हूँ। सो ये क्लीवर है, छोटा है थोड़ा, इसमें बड़ा भी आता है, सो ये है ना मीट्स वगैरह ठक ठक आपने देखा होगा दुकान पे बुचर लोग काटते हैं, तो ये उसी लिए यूज़ होता है, बोन वगैरह सब इससे ईजिली काट सकते हैं, सो ये भी बहुत शार्प है वैसे तो, अच्छा नाइफ है, आपसे यूज़ करूँगा मैं इसको। इसको देख के मुझे सॉल्ट बे की याद आती है, हमारे जो नुसरत है ना उनकी। और ये है स्लाइसिंग नाइफ, बड़े बड़े स्लाइस काटने आपको, मीट के हो गए नहीं तो कोई वेजिटेबल्स के भी काट सकते हो आप, तो ये स्लाइसिंग नाइफ है, थोड़ा सा कर्व रहता है ना ये आगे से,
कर्व से क्या होता है, तो स्लाइस करने में इजी जाता है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग नाइफ। ये वाला है बोनिंग नाइफ, यहाँ से चौड़ा आगे से पतला। बोनिंग नाइफ है, बोनिंग नाइफ थोड़ा और छोटा होता है, इसको फिले नाइफ या बोनिंग नाइफ आप कह सकते हो, क्योंकि ना थोड़ा ये ऐसे ना बोन से मीट अलग करने में काम आता है। ये भी है मेरे पास, यूज़ तो करता नहीं मैं, पाल रखे मैंने सब शौकीन हूँ ना यार। अच्छा ये भी देखो पतला, देखो यहाँ से नीचे दबा हुआ, यहाँ से पतला 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 कर्व, सो ना ये ईजिली बोन से मीट ऐसे हटाने में काम आएगा, ये सबको पता है इसके ज़्यादा नहीं बात करूँगा इसके बारे में। और ये है किचन सीजर, एक्चुअली क्या है किचन सीजर थोड़ी लंबी होती है ना, तो ये लंबी है तभी इसको किचन सीजर बोलते हैं। आप कभी ये कोरिएंडर कट करना हो या कुछ करना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो किचन में, बड़ी यूज़फुल है यार, इसको तो रखना ही चाहिए, ये तो मैं बोलूँगा आप रखो इतनी लंबी वाली। ईजीली है ना, हर्ब्स वगैरह कोई भी है, गार्डन से कुछ भी पिक करना है आपको, तुरंत से एकदम कट हो जाता है, बहुत मस्त है ये। ये है गज़ब की चीज़, ये विक्टोरिनॉक्स देखा है ना आपने, मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा स्विस आर्मी नाइफ के जो स्पेशलिस्ट हैं मतलब, सो उन्हीं की कंपनी का नाइफ है ये, पेयरिंग नाइफ है, पेयरिंग फ्रेंच में मतलब होता है पीलिंग, सो वही नाइफ है ये, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्विस मेड। भाई फोकस कर लो, ए यार हमारे चेहरे इतना पसंद है कैमरे को ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जितनी भी पेयरिंग नाइफ देखी ना मैंने यार, इसका डिज़ाइन बहुत अलग है, मतलब ये एकदम यूनिक है और थोड़ा मतलब ये होता है ना वर्सटाइल होती यूज़ करने में। ये यहाँ पर ब्रांडिंग इसकी और पीछे लिखा हुआ हमारा स्विस मेड, ठीक है। सो ये एकदम मस्त लंबा सा हैंडल है और ये आगे से ऐसे कर्व है, तो बहुत अच्छी पेयरिंग नाइफ है, मतलब आप ऐसे हैंडल करोगे ना, पकड़ोगे ना, तो आपको लगेगा यार बस चलाऊँ यूज़ करूँ इसको, बहुत अच्छी नाइफ है। तो ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, आप किचन के लिए यूज़ में ले सकते हैं इसको, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अच्छी नाइफ है इस रेट में, यू कैन चेक आउट। दिस इज़ ऑल्सो पेयरिंग नाइफ, पर थोड़ा डिज़ाइन अलग है, आगे से ऐसा है, वो वाला थोड़ा कर्व था। सो दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर पीलिंग वेजिटेबल्स, लाइक अच्छा नाइफ है ये भी ये भी पेयरिंग नाइफ ही है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है, थोड़ा सा बैंड है, वो थोड़ी कर्व थी, है दोनों पेयरिंग नाइफ, सो ये तो ऐसी नॉर्मल है, ठीक है एकदम सिमिलर नहीं कर पाया मैं। ये है कार्विंग नाइफ, इसमें कर्व है, तो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कर्व। सो ये मेनली यूज़ होता है अपना वेजिटेबल्स फूड्स पे, ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं ना बड़ा प्यार से पकड़ के, एकदम अपनी ये कौन सा वर्ड है वो, मम्मी कौन सा वर्ड है यार वो, हाँ वो नज़ाकत से, नज़ाकत से बनाते ना डिज़ाइन एकदम, सैलड वगैरह वो गार्निशिंग के लिए वो में यूज़ होता है ये नाइफ। मुझे कॉलेज से तोहफे में मिला हमारे किचन किट में आता है ये अच्छा नाइफ है ये, हमें लगता था पहले से अरे कुछ काम का नहीं, लेकिन बहुत काम का है ये ना, कार्विंग नाइफ है बेसिकली, से देख रहे हो आप ये शेप कार्व करा हुआ है, ऐसा कर्व है ना यहाँ पर कर्व, सो ये कार्विंग वगैरह जितने भी गार्निशेज होती है फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स की, तो ऐसे उस पर डिज़ाइन बना के फ्लावर या कुछ भी डिज़ाइन बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बहुत यूज़फुल नाइफ है यार, मुझे तो बाद में लगा कि बहुत यूज़फुल है, तो मैंने इसको संभाल के रखा है। ऐसा मेरे पास एक और है, सो मैं इसका भी आपको डाल दूँगा लिंक, आप अगर डिज़ाइन विज़ाइन करना चाहते हो वेजिटेबल्स, सो इट्स गुड। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, क्योंकि स्पेशल किसी वेजिटेबल के लिए, वेजिटेबल नहीं फ्रूट, एक्चुअली फ्रूट है ना, सो फ्रूट के लिए कोई पर्सनलाइज नाइफ हो, मैं टमाटो की बात कर रहा हूँ, सो ये है टमाटो नाइफ। इसमें आप देख रहे हैं ग्रूव्स, यानी फोकस कर दिया कर मेरे भाई, ये इसमें आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर ग्रूव्स, सो ये ग्रूव्स क्या होते हैं, ये टमाटो को इजीली स्लाइस कर देते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में ना टमाटो में स्लिप पड़ जाती है, मतलब जैसे कि दिखाता हूँ आपको, सपोज़ ये पेयरिंग है, अब इसमें ना सीधा है टमाटो का, आप काटेंगे ना वैसे तो ये बहुत शार्प है, लेकिन आप काटेंगे ना ब्लेंड भी हुआ ना हल्का सा, तो स्लिप मार जाएगा उसकी स्किन पे। सो क्या करते हैं ग्रूव्स, उसकी स्किन को पूरा काट के तो ईजिली टमाटो स्लाइस हो जाता है हमारा, सो ये बहुत अच्छा नाइफ है, विक्टोरिनॉक्स है ये भी हमारा, ये भैया ये विक्टोरिनॉस की ब्रांडिंग है यहाँ पर, यार ये मुझे बहुत पसंद आता है डिज़ाइन है ना, विक्टोरिनॉस वाले डिज़ाइन है ना बहुत सोच समझ के बनाते हैं, गज़ब है। ये चीज़ ये है पीलर, और ये थोड़ा अनोखा है, बताऊँ क्यों, एक तो डिज़ाइन अलग है इसका, ठीक है, और ये बहुत शार्प है, और ये हर एक के किचन में होना चाहिए, ये तो ले लो आप डेफिनेटली, आज वीडियो देख लेना आपने, बस वीडियो देखने में लेना ही है, आपके क्या डी भाई ने बोल दिया। सो ये क्या है ना, जब भी हम इसे पील करते हैं ना तो सिर्फ स्किन हटती है, अंदर का पल्प डैमेज नहीं होता, और एकदम बारीक पील निकालता है, सो ये बहुत अच्छा है पीलिंग के लिए, सो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा कुछ भी आपका, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सामान, तो है ना हमें किचन वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सो ये वेस्टेज बचाएगा,
वेस्टेज बचाएगा, उसको रखिए इसको। तो ये एक नाइफ में भूल गया था, सॉरी, लेके आया मैं किचन से। ये है भैया अपना पैलेट नाइफ, पैलेट एकदम प्लेन सीधा नाइफ है। इसे क्या होता है ना, इससे हम लोग है ना, जैसे कि मेरे वैसे मेरे टीचर तो मारने के लिए यूज़ करते थे सो बेकरी में हम ना देखा ना आइसिंग करते हैं केक के ऊपर या विप क्रीम लगाते हैं डेकोरेट स्मूथ एकदम बनाने के लिए, सो ये उसके लिए यूज़ होता है। कोई भी आप स्प्रेड करो इजीली क्रीम को, तो ये भी अच्छा है अगर आप बेकरी में इंटरेस्टेड हो, आप केक्स वगैरह बनाते हो, सो यू शुड हैव दिस वन। इसके लिए ना मैं अपना लाल वाला चश्मा वापस पहन लूँ, ये है गज़ब की चीज़। समुराई की स्वॉर्ड देखी आपने, ये है समुराई की स्वॉर्ड। एक्चुअली स्वॉर्ड नहीं है, ब्रेड नाइफ है, बहुत ही लंबी, मतलब ये सबसे लंबी नाइफ है मेरे किचन में। आप ना ब्रेड लोफ बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो ईजिली ये ना ग्रूव से ब्रेड स्लाइस हो जाती है, डैमेज नहीं होती। नॉर्मल नाइफ से करेंगे डैमेज होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप केक का स्पंज बनाया, वैनिला स्पंज, चॉकलेट स्पंज, तो ईजिली स्लाइस हो जाता है। सो यार ये बहुत ही मस्त है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं उसमें। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हिट द लाइक बटन और कमेंट में करके बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको कौन सा नाइफ सबसे अच्छा लगा वीडियो देखने के बाद, और आप पर्सनली कौन सा प्रीफर करते हो या जो भी आपको पसंदीदा नाइफ है, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो मैं भी पढ़ूंगा कमेंट, आपके रिप्लाई करूंगा ज़रूर, और सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं इजीली नाइफ, सब कुछ डिटेल्स डालते हैं आपके भाई एकदम। सो बस इतना ही बोलना था, एंड मिलते हैं हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसी कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, लाइक रेसिपी तो हम बनाते ही रहते हैं ना, सो थोड़ा सा चेंज लाया मैं कि यार थोड़ा एकदम रिव्यू देते हैं कुछ चीज़ों का। सो जो मेरे पास था कलेक्शन मैंने रिव्यू दिया, और बस थैंक यू, बाय बाय।